एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के आपका अपने ही चैनल में। इस वीडियो में आपको रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेज पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल 2022 का 60वां मुकाबला के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें आपको स्मॉल लीग की टीम और ग्रैंड लीग की टीम्स आपको इस वीडियो के बीच में बने रहेगा। आपको 6 ग्रैंड लीग की टीम्स फ्री मिलेंगी, वो भी 20 मिनट पहले। कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, ये भी मैं बताऊँगा। और इसमें स्मॉल लीग की टीम्स और साथ ही साथ आप समझ सकते हैं कि हेड टू हेड की जो प्रो टिप्स होती है उसमें आपको ये मिलेगी। तो बने रहेगा इस भाई के वीडियो में। इस वीडियो में मैं टीम्स भी बनाऊंगा ड्रीम इलेवन पे जाकर। तो भाई के इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बार्बन स्टेडियम की, जहाँ तक आप अगर बार्बन स्टेडियम आपके दिमाग में आता है तो आप समझ सकते हैं कि बार्बन स्टेडियम पे ज़्यादा रन स्कोर होते हैं। तो बार्बन स्टेडियम पे ज़्यादा रन स्कोर होते हैं तो ये है कि विकेट से गिरते हैं, रन्स भी स्कोर होते हैं। तो इस पिच पे खेलने पर मज़ा आता है, जिसमें ज़्यादा रन्स स्कोर होते हैं, सभी बैटर्स को खेलने का मौका मिलता है और सभी लोग रन्स बनाते हैं। तो यहाँ पर आप डेट और टाइम की बात करें, जो कि आपको पता है 13 मई 7:30 पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ये मुकाबला खेला जाएगा। और जहाँ तक रही वेन्यू की पिच रिपोर्ट के बारे में, पिच की हम बात करें, तो आपको पता है कि बैटर्स को यहाँ पे सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा मिलती है। इस आप लास्ट फ्यू मैचेस में भी देख सकते हैं, या फिर बार्बन स्टेडियम का पूरा टोटल मतलब रिकॉर्ड्स अगर आप निकाल के देखें तो इस पिच पे बैटर्स को सपोर्ट, लॉट ऑफ सपोर्ट्स मिलते हैं। तो इस पिच पे आप लोग ध्यान रखें कि बैटर्स को सपोर्ट मिलता है, मिलते ही रहेंगे। और बॉलर्स को मतलब कि इस पर अपना लाइन लेंथ, अगर उनके पास टैलेंट से इनको बॉलिंग करना पड़ेगा, अपने मतलब अपनी जो काबिलियत है उस पर बॉलिंग कर लेगा, तभी आप उनका वहाँ पे विकेट्स मिल सकती है। और बात करते हैं यहाँ पे प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से कौन कौन से खेलने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ से विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस, रजत पाटीदार, गिलन मैक्सवेल, महिपाल लोमरोर, दिनेश कार्तिक, शहबाज अहमद, वनिंदु हसरंगा, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज, जोस हेजलवुड, जो कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लाइनअप है। उसके साथ उसके सामने उससे भी ताकतवर, हम मेरे मतलब नज़रिए में उससे भी ताकतवर हीटर मतलब कि पंजाब किंग्स हीटर्स के नाम से ही जाने जाते हैं। अगर ये ज़्यादा रन से स्कोर करेंगे तभी ये सेव कर पाते हैं, अदरवाइज ये सेव नहीं कर पाते। यहाँ से शिखर धवन, मयंक अग्रवाल, भानुका राजपक्षा, लियम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, ऋषि धवन, कगिसो रबादा, राहुल चहर, अर्शदीप सिंह, संदीप शर्मा, और दोनों के बीच बहुत ही कांटे के मतलब टक्कर होने वाला। एक बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से हुआ था, जो कि 5वां मुकाबला ही शायद था, तो पंजाब किंग्स ने चेंज करके मैच को जीता था। आपको याद होगा वो ओडियन स्मिथ की 8 गेंद में 30 रनों की बेहतरीन पारी। अब बात करते हैं यहाँ से टॉपिक्स बैटर्स के बारे में। तो फाफ डुप्लेसिस अभी तक आरसीबी की तरफ से सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए हैं, और लास्ट मैच में इन्होंने 50 गेंदों में 73 रनों की बहुत ही खतरनाक हैदराबाद के खिलाफ ये पारी खेली थी। और डुप्लेसिस इस पिच पे बहुत ही अच्छे इनिंग्स खेल रहे हैं और इस पिच पे अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो आप लोग ध्यान रखें कि इस पिच पे डुप्लेसिस को टॉपिक्स में आपको मैं इसीलिए डाला हूँ कि वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और अपनी टीम के लीडिंग रन स्कोरर हैं। अब बात करते हैं शिखर धवन के बारे में। 2 हाफ सेंचुरी 5 मैचेज में इन्होंने बनाया है पंजाब किंग्स के लिए, और 11 मैचेज में यहाँ पे 381 रन इन्होंने बना दिया है, और स्ट्राइक रेट इनका 122 का है, जो कि शुरुआत में समय लेते हैं और फिर बाद में रन से स्कोर करते हैं, और एवरेज 42 का है। तो धवन अभी पंजाब किंग्स के लिए सबसे ज़्यादा रन से स्कोर किए हैं। अब बात करते हैं टॉपिक्स ऑलराउंडर्स के बारे में। टॉपिक्स ऑलराउंडर्स में यहाँ से गिलन मैक्सवेल फर्स्ट पिक्स में आने वाले, जो कि आरसीबी के की रोल है। मिडिल ऑर्डर में यहाँ पे बैटिंग और बॉलिंग दोनों इनका चलता है, और ये कुछ गेम में इतने अच्छे परफॉर्मेंस, अपना छाप छोड़ रहे हैं, इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं। 9 मैचेज में इन्होंने 193 रन स्कोर किए हैं और स्ट्राइक रेट इनका 170 के करीब है। अब बात करते हैं लियम लिविंगस्टन के बारे में, जो कि वन ऑफ द बेस्ट बैटर फ्रेंचाइज क्रिकेट, जो कि इस बार के वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स, और सबसे लंबा छक्का 117 मीटर्स का इन्होंने लगाया भी, और ये सिक्स मतलब कि सिक्स मारने के नाम से जाने जाते हैं। लियम लिविंगस्टन पंजाब किंग्स में है, और ये जब भी आते हैं तो मतलब कि सिक्स अपने पिटारे से निकालते जरूर है। 11 मैचेज में इन्होंने 315 रन से स्कोर किया, इनका स्ट्राइक रेट बहुत ही लाजवाब है, 184 का इनका स्ट्राइक रेट है। अब बात करते हैं टॉपिक्स बॉलर्स के बारे में। बॉलर्स के बारे में टॉपिक्स का ईश्वर रबादा, जो कि थर्ड एमंग मतलब कि अभी तक मस्ट विकेट इस सीज़न में, 10 मैचेज में इन्होंने 18 विकेट्स लिया, जो कि पिछले 3 मैचेज में इन्होंने जो विकेट्स लिया है काबिले तारीफ, मतलब कि पिछले 3 मैचेज में शायद टोटल मिलाकर इन्होंने 8 से 9 विकेट्स निकाल लिए हैं, और इनका जो इकोनॉमी है 9 के नीचे का रहता है। और सब बात करते हैं टॉपिक्स बॉलर्स के बारे में। सेकेंड बॉल टॉपिक्स में यहाँ से वनिंदु हसरंगा, जो कि बॉल मतलब लास्ट मैच में इन्होंने अपना बेस्ट इन्होंने अचीव किया था, और T20 का, यहाँ तक कि IPL का नहीं, इन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था, 5 विकेट लेकर 18 रन दिया था, और साथ ही साथ मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी जीता था। और हसरंगा मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर है RCB की तरफ से, और इन्होंने 21 विकेट्स लिया है, और टॉप 3 में इन्होंने अपना नाम भी बनाए हुए रखा है, जो कि मतलब पर्पल कैप होल्डर में। अब बात करते हैं टॉपिक्स विकेट कीपर में। दिनेश कार्तिक, जो कि
मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर है आरसीबी के लिए, मतलब कि फिनिशर दिनेश कार्तिक द फिनिशर आरसीबी, यहां पे आरसीबी ने रोल दिया है इनको फिनिशर का, और ये बहुत ही अच्छे से रोल को अदा करते हैं। 12 मैचेज में इन्होंने 274 रन स्कोर किया है, और इनका एवरेज 68 का है, और स्ट्राइक रेट की बात करें तो 200 का इनका स्ट्राइक रेट है। इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट दिनेश कार्तिक का है। अब बात करते हैं रिस्की कैप्टनसी चॉइस के बारे में, रजत पाटीदार को आप रिस्की कैप्टनसी चॉइस दे सकते हैं। इन्होंने 4 मैचेस खेला आरसीबी के लिए और इन्होंने एक हाफ सेंचुरी भी बनाया है, और इन्होंने पिछले मैच में 38 गेंदों में 48 रनों की बहुत ही बेहतरीन पारी खेली थी, और साथ ही साथ अभी तक इन्होंने 105 रन टोटल 4 मैचेज में जोड़े हैं, जो कि पिछले मैच में 105 रनों की पार्टनरशिप की थी फाफ डुप्लेसिस के साथ, जो कि कोहली जीरो पे आउट हुए थे फर्स्ट बॉल पे हैदराबाद के खिलाफ। अब बात करते हैं सेकंड में रिस्की कैप्टनसी चॉइस में अर्शदीप सिंह, जो कि 2 विकेट लास्ट गेम में लिया था राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, और इसमें विकेट से लेने वाले हैं क्योंकि इनके पास बहुत ही ज़्यादा स्लोअर बॉल और बाउंसर हैं, और इस पिच पे वो तंग कर सकते हैं, तो आप लोग इनको कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर देना। 6 विकेट्स अभी तक इन्होंने निकाला है, लेकिन इनका इकोनॉमी बहुत ही मस्त है। अब बात करते हैं आपको किन से बच कर जाना है, ऋषि धवन से बच कर चलना, जो कि अभी तक इन्होंने मतलब 2 मैचेज में इनको बैट करने का अपॉर्चुनिटी मिला, और साथ ही साथ 4 विकेट्स इन्होंने इस सीजन में निकाला है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही साथ आपको अभी हम ले चलते हैं जहाँ पे आपको 6 ग्रांली की टीम्स मिलेगी फ्री, और साथ ही साथ आपको मैं बता दूँ कि अभी हम लोग टीम्स भी क्रिएट करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं 6 ग्रांली की टीम्स मैंने दी है, यहाँ पे देख सकते हैं 4 यहाँ पे है और ये पे 2, मतलब कि एक ही साथ देते हैं, पता नहीं क्यों कुछ हुआ है कि यहाँ पे हट जा रहा है, लेकिन 6 ग्रांली की टीम्स आपको फ्री मिलती है, वो भी आपको 100% विनिंग टीम जो कि स्मॉल लीग की टीम्स रहती है, लेकिन यहाँ पे डेवन कैनवो को आउट दे दिया गया था पता नहीं क्यों, और यहाँ से आप देख सकते हैं बॉलर्स में बहुत ही तगड़े तगड़े हैं, और जो कि कल का भी आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मॉल लीग की टीम्स बहुत ही खतरनाक मिलती है। अब बात करते हैं ड्रीम इलेवन के बारे में, हम लोग ड्रीम इलेवन ऐप को ओपन करते हैं और आपको हम ले चलते हैं टीम्स सिलेक्शन पे। अब आ गए हम लोग विकेट कीपर सेक्शन में, सबसे पहले विकेट कीपर सेक्शन में मैं जॉनी बेस्टो को पिक करूंगा, और जॉनी बेस्टो के साथ साथ मैं जितेश शर्मा को बार बार चाहता हूं कि मैं पिक करूं, लेकिन इनका जो बहुत ही नीचे खेलने आता है, मैं लिविंगस्टन से ऊपर का दर्जा देता हूं, अगर विश्वास करें तो मेरे नज़र में ये लिविंगस्टन से ऊपर के खिलाड़ी है, लेकिन ये बहुत ही नीचे आता है, यही सबसे खराब बात है। अब बात करते हैं शिखर धवन, यहाँ से बैटर्स में शिखर धवन, फाफ डुप्लेसिस, विराट कोहली, और फिर उसके बाद मयंक अग्रवाल, अगर चाहे तो आप राजापक्षा के भी साथ भी जा सकते हैं, यहाँ पे इस बीच में बैटिंग बैट्समैन के साथ जाना ही पड़ेगा, और फिर इसके बाद हम लोग कगिसो रबादा, डब्ल्यू हर्षरंगा, जेस होजलवुड, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीम बेहद ही खतरनाक बन चुकी है। यहाँ पे आरसीबी की तरफ से मैंने 3 बल्लेबाजों को चुना है, और पंजाब की तरफ से 5, और कैप्टन वाइस कैप्टन की जहाँ तक बात रही तो कैप्टन वाइस कैप्टन मेरे तरफ से इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन मैं बता दूँ कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे मयंक अग्रवाल और राजापक्षा की जगह पे जितेश शर्मा को आप ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे कोई ऊपर ओपनर में से यहाँ से देख सकते हैं फाफ डुप्लेसिस और विराट कोहली की जगह पे दिनेश कार्तिक कोई को ऐड कर सकते हैं। अब कैप्टन वाइस कैप्टन की जहाँ तक बात रही तो कैप्टन वाइस कैप्टन मेरे तरफ से यहाँ से कैप्टन इसमें मैं आपको कैप्टन देने वाला हूँ, वाइस कैप्टन देने वाला हूँ राजापक्षा को, और कैप्टन देने वाला हूँ ग्लेन मैक्सवेल को, जो कि अगर आप सेफ जाना चाहें तो सेफ मेरे तरफ से इनको मैं सेफ की जहाँ तक बात रही तो सेफ मैं वाइस कैप्टन फाफ डुप्लेसिस और कैप्टन शिखर धवन ये सेफ हुआ, और रिस्की की जहाँ तक बात रही तो कैप्टन राजापक्षा और वाइस कैप्टन यहाँ से मैंने ग्लेन मैक्सवेल, जो कि ये रिस्की हो गया। और अब बात करें ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको फाइनल टीम मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद, थैंक्स फॉर लविंग सपोर्टिंग गाइस, लव यू ऑल।